नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों के साथ की बातचीत का, काशी ने कोरोना वायरस का डटकर किया मुकाबला। पीएम बोले भगवान शंकर के आशीर्वाद उत्साह से भरी हुई है काशी। यूपी में कोरोना को लेकर शंकाएं थी लेकिन लोगों ने किया ध्वस्त। पीएम बोले 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त राशन। सरकार ने जनधन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा कराए। पीएम बोले वाराणसी में 8000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। स्थितियां सामान्य होंगी तो काशी में तेजी से लौटेगी पुरानी रौनक। इंडिया ग्लोबल वीक में पीएम मोदी ने व्यापारियों को किया संबोधित। का टैलेंट का पावर हाउस है भारत, दुनिया ने देखा योगदान। पीएम मोदी बोले असंभव को भी पाने का जज्बा रखते हैं भारतीय। वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भारत का होगा लीड रोल। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15 जुलाई को होगी ऑनलाइन बैठक। शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से पीएम मोदी होंगे शामिल। जम्मू में बने 6 पुलों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीआरओ चीफ समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री बोले दुश्मनों की गोलाबारी के बावजूद समय पर हुआ काम। लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं 6 पुल। एलएसी पर भारत और चीन के बीच कल फिर होगी वर्चुअल बैठक। दोनों देशों में सीमा विवाद को लेकर बनेगी आगे की रणनीति। भारत को तीसरा प्रभावित देश बताने पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का, कोरोना मामले को सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी। स्वास्थ्य मंत्री बोले देश में नहीं है कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। प्रति 10 लाख पर आज भी सबसे कम है देश की संक्रमण दर। अमेरिका के MIT ने भारत में कोरोना महामारी पर दिया बयान। का वैक्सीन न आने पर हिंदुस्तान में रोज मिलेंगे 3 लाख केस। अज्ञात जगह पर विकास दुबे से मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है पूछताछ। रिमांड के बाद यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा एसटी सीटर। पुलिस पूछताछ में एसटी सीटर विकास दुबे ने किया बड़ा खुलासा। का कानपुर घटना के ठीक पहले मुझे थाने से आया था फोन। पुलिस कर्मी को जलाने का भी था प्लान। विकास से पूछताछ में बेनकाब हो सकते हैं कई खादी और वर्दीधारी। किसके सह पर चला था जरायम का साम्राज्य, खुल सकते हैं राज। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद हिरासत में लिए गए 2 वकील। निजी गाड़ी से उज्जैन आए थे मनोज यादव और तेज यादव। पूछताछ जारी। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद बोले सीएम शिवराज चौहान का, सीएम योगी से हुई बात। यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा विकास। कानपुर एनकाउंटर में शहीद सीओ के परिवार ने लगाया आरोप। का एसटी सीटर विकास दुबे को मौत से बचाया गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद छलका मां सरला देवी का दर्द। का भोले बाबा ने बचाई मेरे बेटे की जान, जो चाहे करे सरकार। एसटी सीटर विकास की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने बोला हमला। का यूपी सरकार फेल, मिली भगत की ओर किया इशारा। मध्य प्रदेश पूर्व गृह मंत्री ने नरोत्तम मिश्रा का जोड़ा कानपुर कनेक्शन। दिग्विजय ने गिरफ्तारी को लेकर न्यायिक जांच की उठाई मांग। अखिलेश यादव ने विकास की गिरफ्तारी पर सीएम योगी से पूछा सवाल। का उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी या समर्पण पर सरकार दे जवाब। विकास की गिरफ्तारी पर उठ रहे सवालों पर भाजपा ने किया पलटवार। का सेना और पुलिस का मनोबल गिराने वाला बयान दे रहा है विपक्ष। गैंगस्टर विकास दुबे को हो सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण। फरीदाबाद में गिरफ्तार रिश्तेदार श्रवण की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। धोखाधड़ी मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली बड़ी राहत। मध्य प्रदेश की MP MLA कोर्ट ने मामले को किया रद्द। भाजपा नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दान किया प्लाज्मा। का देशवासियों की सुरक्षा करना सबका दायित्व। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी की टीम। PMLA मामले में चौथी बार की जा रही है पूछताछ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से मुलाकात कर सकती है प्रियंका गांधी। यूपी विधानसभा चुनाव में साथ लाने के लिए कांग्रेस कर रही है संपर्क। यूपी के 22% दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर। चंद्रशेखर के सहारे मायावती को पटखनी देना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने की तैयारी। अंतरिम कार्यकाल की CWC बैठक में लिया जाएगा फैसला। ओरिएंटल नेशनल और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनियों का नहीं होगा विलय। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों की बैठक के बाद विलय को किया नामंजूर। चिराग पासवान ने LJP की संसदीय कमेटी की बुलाई बैठक। बिहार के NDA गठबंधन में रहने या न रहने पर लेंगे फैसला। बिहार चुनाव से पहले चिराग और नीतीश के बीच बड़ी थी तलखी। MLC चुनाव और विधानसभा सीट बंटवारे पर फंसा पेच। सोशल मीडिया के 3 बड़े प्लेटफॉर्म किए जा सकते हैं मर्ज। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का हो सकता है विलय। दिल्ली की एक अदालत ने 956 विदेशी जमातियों को दी बड़ी राहत। का हत्या जैसे गंभीर आरोपों पर पुलिस को नहीं मिला कोई सबूत। राजस्थान के सीएम गहलोत ने राज्य में मृत्यु भोज पर लगाया प्रतिबंध। का भोज का आयोजन करने वालों को भेजा जाएगा जेल। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड में चीनी सामान पर लगाया प्रतिबंध। का राज्य से जुड़े सभी सरकारी टेंडर और समझौते होंगे रद्द। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी का कोरोना टेस्ट निकला निगेटिव। बीते बुधवार को राजभवन का एक कर्मचारी पाया गया था संक्रमित। जम्मू कश्मीर के BJP नेता वसीम बारी के 10 सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार। आतंकियों ने वसीम और उसके पिता भाई की कर दी थी हत्या।
भारतीय रेलवे ने बिना डीजल और बिजली के ट्रेन दौड़ाकर रचा इतिहास। बैटरी से चलने वाले इंजन का जबलपुर में हुआ सफल परीक्षण। मिजोरम में फिर महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के 11 जुलाई को आ सकते हैं नतीजे। 13 जुलाई को 10वीं का परीक्षा परिणाम हो सकता है घोषित। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के दफ्तर में हुई कोरोना की एंट्री। पीएस सहित कार्यालय के 4 लोगों का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। यूपी की अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ने परीक्षा कराने की शुरू की तैयारी। यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत 145 केंद्रों पर होगी परीक्षा। बांदा के गांव जसाईपुर में ट्रक चालक ने युवक को रौंदा। गिट्टी से भरे ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, गई जान। हरदोई में एक साथ बढ़े 20 कोरोना के मरीज। अब 270 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। हरदोई में बाढ़ नियंत्रण तटबंध का डीएमएसपी ने किया निरीक्षण। बाढ़ के खतरे का लिया जायजा, अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। रोहतास के बड़की गांव में बारिश से गिरा पुराना 2 मंजिला मकान। मलबे के नीचे दबने से 2 बच्चों समेत 3 की गई जान। रामपुर डीएम ने मास्क न लगाने वालों के खिलाफ चलाया अनोखा अभियान। बिना मास्क वालों को चौराहों पर लगाई 5 लोगों को पकड़ने की ड्यूटी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।